श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। लॉकडाउन रूपी तीसरे चरण के अनुष्ठान में हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। तब आज के संवाद में आज की सात्विक तात्विक चर्चा जो संवाद के रूप में हर रोज हम कर रहे हैं, ऐसी आज की संवादी बातचीत में आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम, जय सियाराम। आप सब जानते हैं आज भगवान बुद्ध का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है। मैंने कैलेंडर में देखा, लिखा है आज, कैलेंडर में देखने पर मैं कहता हूँ सही ही होगा, आज कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भी जन्म जयंती है। जो कविवर गुरुदेव टैगोर बुद्ध को बुद्धदेव कहा करते थे, ऐसे महापुरुष की भी जन्म जयंती है। मैं नमन करता हूँ। मुख्यत्वे आज हम सबके केंद्र में भगवान बुद्ध है। बुद्ध भगवान की विशेषता कहो, संयोग कहो, जो कहो, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा ये भगवान बुद्ध का जन्मदिन भी है। कहते हैं निर्वाण दिन भी है। ऐसे करीब 2500 या 2700 साल पहले एक महान ज्योति ने इस धरती पर अवतार लिया, भगवान बुद्ध। आपका जन्म नेपाल स्थित लुम्बिनी में हुआ था। आपके जीवन का थोड़ा स्मरण संकीर्तन करें तो कहते हैं कि आपके जन्म के बाद 7 दिन में आपकी जन्मदात्री माँ का निधन हुआ था। आप 7 दिन के थे, माँ चली गई और माँ को भी हम करुणा मूर्ति कहते हैं, लेकिन ऐसी माँ गई जो विश्व को करुणा मूर्ति बुद्ध की देन दे गई। आप
आपका परिपालन 7 दिन के बाद आपकी मौसी जो आपके पिता की दूसरी पत्नी भी है गौतमी गौती में ने आपका उच्छेद किया। आपका ये गौतम गौत्र था इसलिए और माँ भी जिसने उछेर किया वो गौतमी है इसलिए आपको पूरा संसार गौतम भी कहते हैं। आपका नाम सिद्धार्थ है सिद्धार्थ संज्ञा से आपको पुकारा जाता है। सिद्धार्थ का अर्थ मैंने जो पढ़ा वो ये है कि सिद्धियों के लिए ही जो जन्म है उसको सिद्धार्थ कहते हैं। आपको पूरी दुनिया बुद्ध कहती है क्योंकि आप में बुद्धत्व उतरा। आश्रितों को जिसको आपका अनुभव हुआ है वो आपको कई नाम से पुकारते रहे तथागत बुद्ध परम भिक्खु परम बुद्ध पुरुष सद्गुरु जो नाम जिसको अच्छा लगा ये सब आपको पुकारते थे। पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण को हुए 5,000 से कुछ और साले हुई है। एक गिनती के मुताबिक भगवान कृष्ण के बाद 2500 साल के बाद आपका अवतरण हुआ। कई विद्वानों ने तो कहा कि बुद्ध रूपी इस धरती पर एक ऐसा पहली बार पुष्प खिला जिसकी महक ने विश्व को भर दिया। भगवान बुद्ध ने कई प्रकार के उपदेश जी करके हमें दिए हैं लेकिन मेरी तलगाजरड़ी आंखें यदि गुरु कृपा से उसको देखे तो उसकी समग्र देशना उसका समग्र बोध कि एक ही शब्द में यदि व्याख्या की जाए जो फल बताया जाए आखिरी सार तो एक शब्द मात्र है और वो करुणा। आपने कई प्रकार की देन विश्व को दी है। आप बहुत सुखी संपन्न राजघराने से हैं युवा अवस्था में बड़े धाम धूम से राजघराना में जैसे होता है राज्योचित सम्मान के साथ आपकी शादी हुई थी यशोधरा नामक अति सुंदर स्त्री के साथ आपका संसार शुरू हुआ था। आपके बारे में मैंने पढ़ा है कि आप कई विद्या में कुशल थे बहुत सी विद्या आपने अर्जित की थी। आप बहुत तेजस्वी थे लेकिन
आपकी जड़े करुणा है, आपके बारे में मैंने पढ़ा कि जब घुड़दौड़ की स्पर्धा होती थी और आप घुड़दौड़ की स्पर्धा में सदैव विजयी रहते थे, ऐसा आपका कौशल्य था। लेकिन किसी स्पर्धक के साथ आप घुड़सवारी करके स्पर्धा में उतरते थे तो अब एक क्षण के बाद आप जीतने वाले ही हैं, उसी समय आप घोड़े का वेग कम कर देते थे और आपके स्पर्धक को जिता देते थे, आप हार जाते थे। मुझे आपका ये पक्ष बहुत प्रिय लगता है। राज परिवार के कई सदस्य युवराज गौतम को, सिद्धार्थ को पूछते थे, ऐसा क्यों करते हैं, तो स्पर्धा में उतरते क्यों? तब आप कहते थे कि मेरे से कोई हार जाए वो मेरी करुणा सह नहीं सकती, मेरी करुणा मुझे फोर्स करती है, तू हार, दूसरे को जीता। अध्यात्म मार्ग में मेरे फ्लावर्स, हारना बहुत महत्व का स्थान है। हमारे यहां कहा गया, हारे को हरि नाम। करीब करीब इतने ही साल हुई होगी, खबर नहीं, चीन में लाओत्सु हुए, आप भी कहा करते थे कि मुझे दुनिया में कोई जीत नहीं सकता। कोई पूछे कि आप अकेले हैं, कहते हैं कोई नहीं जीत, बोले नहीं कोई भी पैदा नहीं हुआ जो मुझे जीत सके। कोई पूछे कैसे, बोले मैं पहले से ही हारा हुआ हूँ। जो हार कबूल करता है वो जीता है। हमारे यहां कहते जीते सो सिकंदर, ठीक है, ये दुनिया का शब्द है। मैं तो कहूंगा हारे सो कलंदर, वो फकीर, वो साधु, वो बुद्धत्व को प्राप्त सदगुरु। तो आप हार जाते थे, हारना आपको पसंद था। आपके जीवन की भिन्न भिन्न कथाएं कहती हैं, उसके सार के रूप में मैं आपसे बातचीत करता हूं। कोई कहते एक युवा सम्मेलन का उद्घाटन करने आप जा रहे थे, सारथी ने रथ संवारा था, आप उसमें बैठकर जा रहे थे। कोई बात ऐसी भी मिलती है कि आप ऐसे ही घूमने निकले थे। एक कथा मैंने ऐसी भी पढ़ी कि आप के जीवन में इतनी सुख वर्षा की जाए कि ये दुखालय जगत का आपको कोई अंश छूने न पाए। मैंने तो वहां तक जाना है, आपके पिताजी ने आपके लिए 3 महल बनवाए थे, 3 ऋतु
के अनुकूल। एक महल ऐसा बनाया था जहां आप ग्रीष्म में रहा करते थे, शीतलता मिलती थी। एक महल ऐसा था जहां आप सर्दियों में रहते थे, उष्णता प्राप्त होती थी। एक महल आपके लिए वर्षा ऋतु में रहने के लिए बनाया था। आपके चारों ओर सुख ही सुख दिखाया गया, क्योंकि महाराजा शुद्धोदन को पता था कि जब आपका जन्म हुआ तब पहाड़ पर रहने वाले एक महात्मा असीत ने उसी समय जोर से उद्घोषणा की थी, ये बालक जो जन्मा है या तो परम राज पुरुष होगा या परम बुद्ध पुरुष होगा। आपके पिता का मनोरथ था मेरा बेटा परम राज पुरुष बनाए। आपको राजनीति, राजा के लिए जो जो शिक्षा अनुकूल हो सब दी गई थी। लेकिन आपकी नियति कुछ और थी। आपको संसार के दुखों का जरा भी स्पर्श न हो इसलिए आपकी चारों ओर सुविधाएं जुटाई थी। कहते हैं एक बार आप गए बाहर, और एक आदमी कमर से झुका हुआ, हाथ में लाठी पकड़ी हुई, मुख में दांत नहीं है, कफ निकालता जा रहा है, सांसें बहुत ले रहा है, दो कदम चलकर रुक जाता है। बड़ी दयनीय दशा में ऐसे आदमी को देखकर, ये वृद्ध को देखकर बुद्ध की करुणा उछल पड़ी। आपने सहयात्री को पूछा, ये क्या है? पहली बार उसने एक वृद्ध को देखा। बोले, बूढ़ा आदमी, बूढ़ा क्यों हुआ? हर व्यक्ति को बूढ़ा होना पड़ता है। जन्मता है सिद्धार्थ, वो कुमार बनता है, युवान बनता है, प्रौढ़ बनता है, आखिर में बूढ़ा बन जाता है। सबकी ये गति है, सबकी ये नियति है। हाँ, ओ तो ऐसी युवानी कौन काम की जो आखिर में इस स्थिति में हमें प्रवेश कराए? एक चोट लगी, भीतरी एक कली थी कमल की, इसकी एक पंखुरी खुल गई। एक दिन वो फिर सैर करने जाते हैं तो देखा एक आदमी का मुख पीला पड़ गया है। दो तीन लोग सहारा दिए हुए है, कहीं ले जा रहे थे। अब मरा तब मरा की स्थिति थी। बुद्ध ने फिर जिज्ञासा की, ये क्या है? तो कहा, एक बहुत बीमार रुग्ण आदमी। तो क्या ये शरीर बीमार भी होता है? बोले, हाँ, मैं भी कभी इस अवस्था में बीमार हो जाऊंगा। शरीर रोगों का घर है गौतम, एक दूसरी पंखुड़ी खुली।
तीसरी बार की यात्रा में कहते बुद्ध ने देखा चार लोग एक अर्थी में एक व्यक्ति को कपड़े में लपेट कर एक तो फूलमालाएं रखी है और लिए जा रहे। बुद्ध ने कहा ये क्या है? बोले एक आदमी मर गया है। मरना क्या होता है? बोले जन्मता है वो मरेगा। जन्मा हुआ आदमी कुमार बने न बने निश्चित नहीं है, युवानी तक यात्रा करे निश्चित नहीं है, बूढ़ा हो न हो खबर नहीं है, लेकिन मरेगा जरूर। ये मर गया। बुद्ध की तीसरी पंखुरी भी खुल गई। तीन पंखुरी वाला कमल बुद्ध ने खोला नहीं, पंखुरी खुलती गई, चेतना जागती गई। गुरु के बुद्ध के कई गुरु, इसमें से एक आला कलाम, आपने तो कभी बुद्ध को कहा था, मैंने इस बात को कभी सैंजल में हमारे समाधि स्थान में या कभी कथा में भी आपको कही कि समाधि की परिभाषा क्या। जिसके जीवन से आधी चली जाए, व्याधि चली जाए, उपाधि चली जाए और शेष जो रहती है वो समाधि है। समाधि आती नहीं, ये तीन हटे तो जो बचा वो समाधि है। आधी है बुढ़ापा, व्याधि है बीमारी और उपाधि है मृत्यु। उपाधि को हम हिंदी में कहते हैं पदवी, फला को ये उपाधि मिली, इस उपाधि से उसको नवाजा गया, पदवी एक सम्मान। मृत्यु है उपाधि, एक पदवी, एक स्थिति, जाना है। लेकिन ये तीनों हट जाएं जिसके जीवन से, शरीर तो बूढ़ा हो, वृद्धत्व की मानसिकता हट जाए, शरीर तो रोगालय है लेकिन रोग का भय मिट जाए, शरीर तो मरने वाला है लेकिन हम अमृत के पुत्र हैं, ये स्मरण रह जाए, तो ये तीन हटे उसके बाद जो बचता है उस स्थिति का नाम समाधि है। इससे मैं 100% राजी हूं। हां मैं भगवान पतंजलि के अष्टांग योग की बात थोड़ी समझ रहा हूं। यदि प्रयास से आप जाएंगे तो समाधि ऐसे आती है। बुद्ध तो सम्यक शब्द पर बल देते हैं। उसके जो अष्टांग सूत्र है आप जानते हैं, मैंने भी कथाओं में जिक्र किया, उसमें ज्यादा नहीं जाना। आपके पंचशील, आपके अष्टांग सूत्र, जिसमें हर वस्तु सम्यक 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 सम्यक, कभी ओशो ने ऐसा कहा था कि अंधेरा जगत में है ही नहीं,
प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। तलगा जरड़ा का कोना कहता रहता है, इस संसार में द्वेष है ही नहीं, प्रेम का अभाव ही द्वेष है, बोध का अभाव ही क्रोध है। क्रोध तो नाशवंत विकार है, वो शाश्वत संस्कार नहीं है बाप। शाश्वत संस्कार तो है गुरुदत्त बोध। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूप। कथा से आप परिचित हैं, एक दिन इस दुखमय जगत को दुख से निवृत्त करने के, दुख है वो दिखाने के लिए, दुख के कारण है वो दिखाने के लिए, दुख के उपाय भी हैं ये दिखाने के लिए, और दुखों से निवृत्ति भी मिलती है और शाश्वत बोधि प्राप्त होती है, समाधि प्राप्त होती है, साधु सहज समाधि ये दिखाने के लिए। एक दिन आपने रात को, मध्य रात्रि को, इतनी सुंदर स्त्री और अपने नवजात बालक का त्याग किया। आज हम कभी कभी, बौद्धिक लोग भी बहुत चर्चा करते हैं कि क्या ये बुद्ध को सब छोड़ना जरूरी था। बुद्ध ने किस रूप में छोड़ा, क्यों छोड़ा, वो आज से इतने साल पहले की बात है साहब, लेकिन त्याग की एक महिमा, त्याग है अमृत। मैं ये नहीं कहता कि आज हम सब छोड़कर निकल जाए, नहीं, देश काल के अनुसार, पात्रानुसार सब सूत्र का संशोधन होना चाहिए, लेकिन कुछ सूत्र तो ऐसे हो वो शाश्वती लिए। बुद्ध का कार्यकाल जन्म से लेकर 80 साल का रहा एक मतानुसार, बुद्ध 2700 साल पहले हुए, ये उसका समय, ये काल। बुद्ध इस धरती पर, नेपाल की जमी पर, लुम्बिनी में जन्मे, सारनाथ आए, बोध गया गए, ये सब उसका देश। बुद्ध ने जिन जिन को दीक्षा दी, जो पात्र लगे, ये सब पात्र, एक शरीर के रूप में यदि बुद्ध को देखे तो वो देशगत है, कालगत है, पात्रगत है, संजोगगत है। लेकिन बुद्ध में जो तीन पंखुड़ियां खुल गई और शेष समाधि उपलब्ध हो गई, सहज समाधि आ गई, वो कालातीत है, वो देशातीत है, वो गुणातीत है, वो मायातीत है, वो शाश्वत है। इतने साल पहले तथागत बुद्ध हुई, आज क्यों इतने निकट लगते हैं, क्यों इतने प्यारे लगते हैं। बुद्ध के हाथों में करुणा है, बुद्ध के पैरों में करुणा है, बुद्ध की आंखों में करुणा है, बुद्ध की सोच में करुणा है, बुद्ध के वचन में करुणा है, बुद्ध की दृष्टि में करुणा है, बुद्ध के स्पर्श में करुणा है। बुद्ध करुणा से बने हैं, जैसे तुलसी के राम कृपामयी रूप है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, जो बोध विग्रह है। देशातीत, कालातीत, गुणातीत, मायातीत,
भाषातीत। बुद्धत्व जो है, इसलिए इतनी सालों के बाद भी बुद्ध महसूस किए जा सकते हैं। आपने गृह त्याग किया, हमारे उपनिषदों ने शताब्दियों से पहले कहा था, न कर्मणा न प्रजया न धने। तुम्हें ये तत्व, ये अमृत, तेरे फॉलोअर्स कितने हैं इससे कभी नहीं मिलेगा। ये अच्छा शब्द है फॉलोअर्स, मैं उसकी आलोचना नहीं करता, लेकिन मुझे रास भी तो नहीं आता, क्योंकि हमारे वेदों ने कहा हमारे पीछे कोई चले वो ठीक नहीं। हम किसी के पीछे चले ऐसे हम परवश भी रहे ठीक नहीं, हमें कोई दाएं बाएं करे ऐसे षड्यंत्र में हमें रहना नहीं, हमारे सर पे कोई हमारे बंधन में, हमें बंधन में रख के वो भी ठीक नहीं, और हमारे पैर के नीचे कोई कुचल जाए वो भी ठीक नहीं। हम चले तो संकच्छध्वम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु। तो बुद्धत्व जो है एक केवल भगवान बुद्ध ने तो हमें प्रकाशित कर दिया, जगत को दिखा दिया कि देखो बुद्धत्व, बुद्धत्व सबका अधिकार है। आपने गृह त्याग किया, देखो भाई ये काल त्याग का नहीं है, गलत अर्थ में मत जाना, लेकिन जिसने भी पाया है कुछ छोड़ा तब पाया है। भगवान राम ने पाया, भगवान को एक मनुष्य समझ लो, क्योंकि मेरे गोस्वामी जी ने कहा लीन मनुज अवतार, एक मनुज समझ लो। तो प्रभु ने अयोध्या का त्याग किया, वन में जाकर पाया, भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रिय ब्रज वृंदावन गोकुल का त्याग किया, मथुरा चले गए, वृंदा चले गए, द्वारिका। भगवान बुद्ध ने भी इसी क्रम में गृह त्याग किया। इस्लाम धर्म के परम पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब ने मक्का छोड़ा, मदीना गए, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु परेण नाकम निहितम गुहाया विभ्राजते यत यतयो विशन्ति। त्याग है अमृत, लेकिन पंखुरियां खुल जाए तब। कच्चा त्याग नहीं। स्वामी निष्कुलानंद जी का पद मुझे बहुत प्रिय है, त्याग न टके वैराग बिना। करिए कोटि उपाय जी, त्याग न टके विराग बिना। इसका मतलब आज 2700 साल के बाद हम ये न करें कि हम घर छोड़कर निकल जाएं। मैं बार बार कहता हूं संसार में रहकर कभी भी उदास मत रहना, लेकिन भीतरी जीवन में कायम उदासी बने रहना।
समाज के साथ, अपने गांव के साथ, परिवार के साथ, दुनिया के साथ, देश के साथ, अपने संगी सखाओं के साथ उदास मत रहना। तुम्हारा उदास होना बहुत असर करेगा, लेकिन एकांत में कायम उदासीन नित रही गोसाई। आपने फकीरों की आंखें देखी है, देखिए, देखते होंगे, न देखियो तो हम तो संसारी जीव इतनी अक्ल कहाँ, लेकिन कभी कभी कोई दिव्य दृष्टि में मिले तो फकीरों की आंखें देखिए, ये मुस्कुराती भी है और रोती भी है। एक शेर मैंने पढ़ा, थोड़ी चुक हो जाए तो क्षमा करें, तुमने आज तक इन दो आंखों से दुनिया देखी। शेर सुनिएगा, हम सबको कह रहे हैं और हम सब ऐसा कर रहे हैं, अपनी दो आंखों से तो ही दुनिया देख रहे। तुमने अपनी दो आंखों से दुनिया देखी है, लेकिन मैंने एक फकीर की दो आंखों में दुनिया देखी है, एक साधु की आंखों में दुनिया देखी है। अनंत विश्व, देखो परमात्मा को विश्व रूप दिखाने के लिए खबर नहीं कैसा रूप लेना। मेरा अनुभव तो ये कहते हैं, अपने बुद्ध पुरुष की आंख में अनंत विश्व समाहित है, वहां सप्त सिंधु भी है, वहां हिमालय भी है, वहां कैलाश भी है, वहां असीम सागर भी है, वहां असंग आसमा भी है, वहां पावन स्पर्श भी है, वहां धरती का असीम धैर्य भी है। हमने देखी है इन आंखों की, तुमने आज तक अपनी दो आंखों से दुनिया देखी है, मैंने एक फकीर की दो आंखों में दुनिया देखी। ऐसी आंखें थी बुद्ध की। आज बहुत से लोग तर्क करते हैं, मैं भी कभी कभी इसकी चर्चा अपने ढंग से छेड़ता हूं कि बुद्ध को यशोधरा ने पूछा कि आप जो छोड़कर गए, जब यशोधरा के पास बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भिक्षा हेतु आए, आप जो जिसको पाने के लिए छोड़कर गए थे, क्या वो इस घर में नहीं था? ऐसा एक बहुत व्यंगात्मक मार्मिक प्रश्न पूछा था, और बुद्ध ने कहा भी, मुझे अच्छा लगा, शायद टागोर ने कहा, बुद्ध ने कहा, यशोधरा, मैं जिसको पाने के लिए सब कुछ छोड़कर निकला, वो आज मुझे पता है कि वो मेरे घर में भी था। मैंने उसको पाने के लिए जहाँ से यात्रा की थी, सही में वो वहीं था। जिसको पाना है उसकी पाने की यात्रा भी, जिसको पाना है उसी से ही शुरू होती है। ये जरा विचित्र है। एक जगह से जड़े निकाल कर दूसरी जगह जड़े डालना, ये पैगंबरी है, ये तीर्थंकरी है। महावीर भगवान ने भी यही कहा, किया कहा, चावल की, ठाकुर रामकृष्ण देव भी कहा कर, चावल की खेती दो जगह, एक की जहां पहले होती है उसको निकाल कर दूसरी जगह, फिर डांगर पकती है, फिर वो चावल सिद्ध हो जाता है,
किसी के बाल का तिलक बन जाता है। त्याग है अमृत, यद्यपि ये शाश्वत सिद्धांत है, फिर भी देश काल के अनुसार उसका निरूपण होना चाहिए। कभी कभी हम बिना सोचे त्याग कर देते हैं, त्याग बहुत परिवारजनों के लिए, संसार के लिए महंगा सिद्ध होता है। ये विकृत त्याग है, संस्कृत त्याग नहीं है। बुद्ध निकल गए गुरुओं की खोज में, जो भी मिला, जिसने जो कहा, वो बुद्ध ने साधा। और बुद्ध का त्याग तो इतना महत्वपूर्ण रहा कि उसने घर तो छोड़ा, लेकिन घर इसीलिए लोग छोड़ते हैं कि मुक्ति मिले। बुद्ध ने तो अंततो गत्वा मोक्ष भी छोड़ा। संसार का एक आदमी भी दुख में डूबा रहेगा तब तक मैं मुक्ति नहीं कबूल करूंगा, मोक्ष भी छोड़ा। जगतगुरु शंकर ने, जगतगुरु आचार्य भगवान शंकराचार्य ने भी मोक्ष को नकारा, न मोक्षस्य आकांक्षा। हमारे भरत जी ने भी गति न चाहो निर्वाण, हम छोटा छोड़ते हैं बड़ा पाने के लिए, यहां छोटा छोड़कर बड़ा पाया और बड़ा भी छोड़ा। ये है तथागत बुद्ध, कड़ी तपस्या की बुद्ध ने, उसने सोचा बिना तप नहीं पाया जाएगा। शरीर कृश काय बन गया, कथा तो मिलती है, निरंजना नदी को पार नहीं कर पाए बुद्ध। कई प्रकार की कथा मिलती है, एक पनघट पर बिल्कुल अस्थ हाड पिंजर मानो ऐसे बुद्ध बैठे हैं। गांव की कुछ लड़कियां उत्सव मना रही थी, गीत गा रही थी, किसी ने वो गीत भी लिखा है, आज मेरे स्मरण में नहीं है, यदि बाद में लिखा होगा, लेकिन इस सार का, इस भाव का, इसका मतलब यह होता था कि वीणा बजानी है तो तार ढीले होंगे तो भी संगीत निष्पन्न नहीं होगा, और तार बहुत कस दिए जाएंगे तो भी संगीत निष्पन्न नहीं होगा। बुद्ध को ये गीत जगा गया। बुद्ध ने अपने नक्षिक देह पर दृष्टि की, कहीं शरीर की वीणा के तार मैंने बहुत तंग कर दिए। मैं राजभवन में था, राजकुमार था, एक मेरा दिव्य दाम्पत्य था, लेकिन तब मेरा जीवन की वीणा ढीली थी, भोग रजोगुण। मैंने अपने आप को ढीला कर दिया था, तब भी मुझे शाश्वत संगीत नहीं मिला, और बाद में मैंने इतने साल तक शरीर को कसा, तोड़ डाला, और फिर भी वो शाश्वत संगीत नहीं मिला। ये लड़कियां जो गा रही हैं, बड़ा गुरु उपदेश गा रही हैं, तब जाके बुद्ध ने एक मार्ग निर्णित किया और प्रशस्त भी किया, मध्यम मार्ग, बिना के तार न ढीले हो न तंग हो। फिर आया बुद्ध का अष्टांग मार्ग, जिसमें सब सम्यक, सम्यक वाणी, सम्यक आहार, सम्यक व्यवहार, सब सम्यक, जितना आवश्यक है इतना ही
न ज्यादा न कम, फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक क्षण में घटना घटी, अपने चार या पांच शिष्यों को भगवान बुद्ध ने बोध दिया और ये ज्योति पूरे विश्व में फैली। अस्सी साल की आपकी जीवन यात्रा कहते हैं, सबसे पहले आपकी मां दीक्षित हुई थी आपके संघ में, यशोधरा भी दीक्षित होती, राहुल भी दीक्षित हो जाता है, अपना चचेरा भाई आनंद भी, सबने अपनी पात्रता के अनुसार बुद्धत्व पाया। और जीवन का जो ध्रुव सत्य है वो निकट आने लगा। एक विषाक्त भिक्षा बुद्ध की मृत्यु का कारण बनती है। इस भिक्षा को पाने के बाद बुद्ध अस्वस्थ होते गए, अपने शिष्यों को बुलाकर कहते हैं, अब मैं कुछ दिन हूं बस, मेरी यात्रा पूरी होने को है, मेरी नौका किनारे पर लग चुकी है, अब केवल नौका से नीचे पैर रखना ही मात्र बाकी है। शिष्यों के नेत्र बरसने लगे। बुद्ध ने अपने आश्रितों को यानी अपने शिष्यों को कहा कि जिसके घर की अंतिम भिक्षा मैंने प्राप्त की है उसको कोई कुछ कहे ना, इस आदमी का मेरे पर उपकार है। एक तो जिस माँ ने मुझे जन्म दिया और पहला दूधपान किया करवाया और जन्म दिया, उस माँ का मेरे पर अनंत उपकार है, और ये दूसरा ये आदमी जिसकी भिक्षा पाने से मुझे जीवन प्राप्त हो रहा है, मुझे मुक्ति निर्वाण प्राप्त हो रहा है, उसको कुछ कहिएगा मत। और एक दिन वो आता है। बुद्ध का जीवन तो कितना विस्तृत है बाप, किन किन पहलुओं को हम पकड़े। एक बौद्ध भिक्खु ने एक किताब लिखी जो बहुत पहले मेरे पास आई थी, छोटी सी। मैं कनाडा में कथा कह रहा था तब एक बौद्ध भिक्खु ने मुझे दी थी, हिंदी में अनुवादित थी। पूरे दुनिया को दुखों से निर्वाण और शाश्वत सुख का बुद्ध बोध देकर विदा के समय उसी में मैंने पढ़ी सो कथा आपको शायद पहले सुनाई, मुझे खबर नहीं और कहीं मुझे मिली भी नहीं, लेकिन किसी ने लिखा है एक बौद्ध भिक्खु ने, जो हो हम सार ग्रहण करें। बुद्ध के निर्वाण के समय सबसे ज्यादा दुखी था आनंद, बहुत रोया।
मैं आपकी सेवा में रहकर धन्य हो गया, लेकिन मुझे लगता है मैं रिक्त रह गया। आप कहेंगे कि मैं तुम्हें निर्वाण देता हूँ, मैं तुम्हें सम्यक बोध देता हूँ, मैं तुम्हें समाधि देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप न जाए, बहुत रोया। और फिर हमारे रामायण भगवान कृष्ण का चरित्र सब मुझे याद आता है। उस किताब में ऐसा लिखा था, बुद्ध पादुका पहनते थे कि नहीं मुझे खबर नहीं है, नंगे पैर ही चले, लेकिन जब बूढ़े हो गए तब शायद उसने एक सुथार ने ही पादुका समर्पित की थी, और ये पतली सी पादुका पहनते थे। आज धन्य भाग है आनंद का। बुद्ध ने कहा, मेरी समग्र चेतना के साथ मैं तुम्हें पादुका देता हूँ। जैसे कृष्ण ने पादुका उद्धव को दी, राम ने भरत को दी, शंकराचार्य भगवान ने अपने शिष्यों को दी। प्रतिदिनम तत्पादुका पूज्यताम, जो जगतगुरु शंकराचार्य का सूत्र है। फिर एक चर्चा चली कि पादुका बुद्ध ने दी है आनंद को, तो उस पर केवल आनंद का अधिकार है कि सबका अधिकार है। ये चर्चा चली। बुद्ध के अंतिम शब्दों में कई बातें मिलती हैं। कोई कहते हैं बुद्ध ने आखिर में ये कहा, कोई जो कहा, जो भी बातें मिलती हैं, सार तत्व लगती है। मुझे भी मुंबई से हमारे एक व्यासपीठ के आश्रित ने प्रश्न पूछा था 5-6 दिन पहले कि बापू, मैंने अपने एक बुद्ध पुरुष से, आपके कोई गुरु होंगे, उससे मैंने पादुका ली है और मैं मेरे घर में रख, हमारे परिवार में मेरे पति, मेरा एक बेटा, मेरी बेटी, हम 4 लोग, और ये पादुका मुझे मिली है, तो ये पादुका पर मेरा ही अधिकार है कि पूरे परिवार का? उसका जवाब मैं सार्वजनिक करूं। आपने अपने बुद्ध पुरुष की पादुका रखी है तो ये आपकी है, लेकिन ये पूरे परिवार की भी है। भगवान राम ने पादुका तो भरत को दी थी, लेकिन ये पादुका ने पूरी अयोध्या की रक्षा की थी। मैं इतना ही कहूंगा कि पादुका जिसको मिलती है कृपा से और वो अपने घर में रखे, तो ये परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा करती है। लेकिन जिसने अखंड श्रद्धा से पादुका ली हो, उसको दीक्षा भी मिलती है और बुद्धत्व की भिक्षा भी मिलती है। और लोग में अखंड श्रद्धा न हो, परिवार में न भी हो, लेकिन सुरक्षा तो सबकी करे। पाप, बुद्ध ने जो पादुका आनंद को दी वो सबकी है, लेकिन आनंद को जो भिक्षा मिली उसकी चर्चा कौन कर पाएगा? ऐसी भी कथा है। मैं इस कथा से राजी हूँ, बहुत राजी, क्योंकि इसमें बुद्ध की पादुका केंद्रस्थ है।
कृष्ण का देहोत्सर्ग, राम का सरजू प्रवेश, बुद्ध का ही परम निर्वाण, एक कथा गाना कहना मेरे लिए तो बस की बात है। जोगी मत जा, मत जा, मत जा, पांव पड़ू तेरे, लेकिन जाने वाले चले जाते। एक शेर है, राज कितने हैं मुझ में बताऊं क्या, कितने रहस्य मुझ में है, किसी शायर ने कहा, मैं बताऊं, राज कितने हैं मुझ में बताऊं क्या, मुद्दतों से जो बंध है खोल दूं क्या, मुद्दतों से जो बंध है खोल दूं क्या। जोगी मत जा, बुद्ध महानिर्वाण को आज की तिथि को चले गए, आए भी आज की तिथि, ज्ञान प्राप्ति का भी वो पूर्णिमा का दिन, और विदा भी आज की तिथि। बुद्ध ने पूरा जीवन दर्शन सरल भाषा में, राजकुमार था, किन किन भाषाओं के ज्ञाता नहीं होंगे सोचिए, लेकिन बिल्कुल देहाती बोली में, पाली भाषा में उसने उपदेश किया। अपने सभी सिद्धांतों को, चार आर्य सत्य, पंचशील, अष्टांग सूत्र वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने इस संवाद के आरंभ में कहा, पूरी बुद्ध की समग्र चेतना का भाषांतर तो नहीं, भावांतर है, केवल करुणा, केवल करुणा, केवल करुणा। आप कहेंगे कि बापू आपने बुद्ध पर इतना वो कहा, लेकिन यदि आप पूछे न पूछे तो बिना पूछे मैं कह दूं, क्योंकि बिना पूछे कुछ जवाब जो मिलते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। एक शेर भी मेरे पास था, मुझे प्रिय लगा, सीधा साधा मैंने रख लिया। वो शेर है, कुछ जवाब तो तभी मिलते हैं, कुछ जवाब तो तभी मिलते हैं जब सवाल न किए जाए, कुछ जवाब तो तभी मिलते हैं जब सवाल न किए जाए। बिना पूछे एक सवाल का जवाब दूं, मैंने कभी कहा भी है, बुद्ध से हम क्या सीखेंगे, हम संसारी है, हम थोड़े बुद्ध हो जाएंगे, हमें थोड़ा गृह त्याग करना है, खबरदार नहीं करना। बुद्ध तो कहते हैं विषयी सुख का त्याग करो, आनंद का नहीं। हम आनंद का त्याग कर देते हैं और सुख की मांग करते हैं, बिल्कुल उल्टी गति हो गई हमारी। बुद्ध कहते हैं ऐसी भीड़ का त्याग करो जिस भीड़ में दूसरे की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निंदा होती हो। बुद्ध के सीधे साधे बहुत प्यारे सूत्र,
द्युत जुआ, बलात्कार, चोरी, शराब, पर पीड़न, किसी भी प्रकार से दूसरे को पीड़ते ही जाओ, पीड़ते जाओ। इसमें शायद आपको सुख मिलेगा, लेकिन आपका आनंद कोशों दूर चला जाता है, आपकी शांति कोशों दूर चली जाती है। बुद्ध के बोध वचन है। बुद्ध में मैंने जो पाया वो है सहज वचन। बुद्ध के वचन सहज है, सहज बसन। बुद्ध का वेश सहज है, सरल सरल वचन, सरल वेश, और बुद्ध का व्यवहार सरल व्यवहार है। अध्यात्म और संसार दोनों के लिए जरूर। हम तो संसार के लोग हैं बाप, मैं और आप सब। ये तीन वस्तु सीखें, सरल बोली, सरल वेश, एक दूसरे के साथ सरल व्यवहार, सहज सहज। एक कहीं मैंने पढ़ी या कहीं सुनी, सुनी है पहले, पढ़ी भी है कभी, एक बात कहूँ। एक कान खजूरा जो था उसको कई पैर होते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे कहो, हमारे यहाँ कान खजूरा कहते हैं उसको, 100 पैर 50 पैर इतने पैर होते हैं, खबर नहीं कौन गिने, डिस्कवरी वाले गिनते हैं। तो एक पंडित गया और कान खजूरे को कहते हैं कि हमारे 2 पैर हैं तो भी कभी कभी चलने में हम लड़खड़ा जाते हैं, गिर भी जाते हैं। 13 100 पैर हैं फिर भी तू लड़खड़ाता नहीं, एक कैसे तू करता है। और वो आदमी ने सोचा मेरे 100 पैर है और फिर संभल संभल कर चलने गया, कान खजूरा लड़खड़ा गया, मर गया। तथा कथित पढ़े लिखों का यही यही स्थिति, जो सहज चल रहे हैं उसको असहज कर देते हैं और मार देते हैं। बुद्ध है सहज करता, जैसे जियो जियो सरलता, जैसो गंगा नीर, ऐसे करुणा मूर्ति। बुद्ध का आज बौद्ध पूर्णिमा के दिन स्मरण संकीर्तन करते हुए मैं आज का संवाद बुद्ध के चरणों में समर्पित करता हूँ, मेरे सभी फ्लावर्सों के साथ। और बुद्ध अब भी अप्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक है। ऐसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। 2500 2700 साल पहले के ये त्रिसूत्र, त्रिपिटक, तुम्हारा मुरारी बापू कभी कभी कथा में कह चुका है कि हम बुद्ध को कहाँ पहचान पाएंगे, बुद्ध के पीछे कहाँ गमन कर पाएंगे। मूर्तिमंत होते तो पीछे चल भी देते कैसे भी भाव से, हम धर्म समझ पाते तो धर्म का अनुगमन करते, लेकिन कहाँ से, धर्म का तत्व अति गूढ़ है। और संघ में तो हम खो जाते हैं। उस काल के लिए प्रासंगिक रहे ये सूत्र, अभी भी प्रासंगिक है, लेकिन मैं अपने आप को इन सूत्रों के में जल्दी इतना फिट नहीं हो पाता हूँ, अद्भुत सूत्र, इसलिए मैं तलगा जरड़ी
बातें कहता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि रखते हुए आओ हम और आप, शुद्धम शरणम गच्छामि, कोई शुद्ध की शरण में जाए। मैं तो शुद्ध रे जानी में तबले से लिया, संगम शरणम गच्छामि, संग तो भीड़ नाम, भीड़ का नाम। यद्यपि कलयुग में संग में शक्ति मानी गई, लेकिन जिसको भजन करना है उसके लिए तो संगम नहीं, संगम शरणम गच्छामि। संगम के दो अर्थ, साधु संग और सबका समन्वय संगम। संग के शरण में भी जाना है, लेकिन संगम शरणम। मारे भागे मड़ो छे मने कोई साधु पुरुष नो संग, बहनी मारे भागे मड़ो छे कोई साधु रे पुरुष नो संग। तो शुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम, समन्वय के शरण में जाए, संवाद की शरण में जाए, स्वीकार की शरण में जाए, या तो किसी साधु की शरण में जाए, जहां सब है। और धम्मम शरणम गच्छामि, कृष्ण तो कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूं, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूं। और राम पद में जिसको अनुराग है, ऐसा पुत्र जिस कुल में जन्मे सौ कुल धन्य उमास। इसलिए तलगाजरडा कहता है धम्मम शरणम गच्छामि, ये तो रखना ही है, लेकिन धन्यम शरणम गच्छामि, जो धन्य है उसकी शरण में हम जाए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन इतना ही संवाद बुद्ध के चरणों में समर्पित करता हूं। कल फिर आपको मिलूंगा। गुरु जो प्रेरित प्रेरणा देगा वैसा कोई संवाद लेकर आज आपसे विदा लेता हूँ। शायद आज मैंने आपके कुछ मिनट ज़्यादा भी ले ली है, लेकिन बुद्धत्व का कहाँ पार पाया जाए। आप सभी को मेरा प्रणाम, जय श्री राम।